कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। इंदौर से हैं हमारे साथ कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम साहब। आदाबाद कर्नल साहब, जय हिंद। जय हिंद। पूरी बात नहीं होती इसलिए रोज कॉल लगाना पड़ता है। तो ये खाना खाने के लिए जमीन पे बैठने के लिए तकलीफ होगी या तारत के लिए जमीन पे या गुसल के लिए जमीन पे बैठते हैं तो? हाँ देखिए, वो जो खाना खाने के लिए जमीन पर बैठते हैं या बेड पर बैठे हैं, बात एक ही है, और वो पलत्ती मार के बैठते हैं जिससे हमारा लोड कमर पर नहीं जाता, उस जगह पर जहाँ इम्प्रेस होती है हमारी कमर के डिस्क, जिनके दर्द होता है। तो ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं और पलंग पर भी वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन जब हम बैतुल खला के लिए बैठते हैं यानी लैट्रीन करने के लिए, तो वो हमारा बैठने का तरीका ऐसा है कि पूरा लोड हमारे कमर के उस भाग में होता है जहाँ हमें दर्द होता है। तो इसलिए ज़रूरी है वेस्टर्न टॉयलेट हमारे घरों में। और देखिए, आप तो फौजी आदमी हैं, मजबूत हैं, मैं भी बहुत एक्सरसाइज वगैरह किए हुए हूँ और मजबूत हूँ, लेकिन आम जो जनता है वो बहुत कमज़ोर है, और आपकी ट्रेनिंग और हमारी जो हमें जो ट्रेनिंग मिली है वो हम 10, 20, 15 किलोमीटर यूं ही भाग के चले जाने वाले, ये भाग दौड़ जो आपके फौज में सिखाई जाती है, ये भाग दौड़ आदमी के जीवन की बहुत अहमियत रखती है। अगर सिविलियन भी अपनी ज़िंदगी जो उस उम्र में जब आप फौज में भर्ती हुए होंगे, इस उम्र में अगर सिविलियन बच्चे भी इतनी भाग दौड़ करें, 30-30 किलोमीटर भगाते हैं एक दिन में, 35 किलोमीटर बहुत होता है, लेकिन फौजी को भगाते हैं और पुलिस को भगाते हैं। तो जिस्म से चर्बी नाम की या जो कोलेस्ट्रॉल होता है, चर्बी नाम की चीज़ नहीं रहती। अगर सिविलियंस भी भागें अपनी कम उम्र में, 40 साल के बाद नहीं भागना चाहिए, तो मिलिट्री मैन जैसा जिस्म हो जाए। मैंने खुद देखा, मैं खुद भागा हूँ, मैंने खुद एक्सरसाइज की है, लेकिन अब हमारा रुझान उस तरफ नहीं, बल्कि बच्चों को एक ऐसी तालीम दे देना हो गया है, ऐसी शिक्षा दे देना कि जिससे वो पैसा कमाने लगे। पहले पैसा कमाने की फिक्र नहीं होती थी किसी को, ये कि पढ़ जाए, पढ़ लिख जाए, इंसान बन जाए। अब इंसान नहीं बल्कि तिजारत करने वाला बच्चे को बनाते हैं, चाहे डॉक्टर बनाए तो भी पैसे कमाने के लिए। पहले डॉक्टर पैसे कमाने के लिए नहीं बनता था, सेवा के लिए बनता था। पहले फौज में लोग जाते थे तो सेवा के लिए जाते, हर काम सेवा के लिए, और इसलिए कि हमारा भगवान, हमारा रब हमसे खुश हो जाए, इसलिए करते थे। अब हम सब कुछ हमारा तिजारत हो गया, कारोबार हो गया, शादी से लेकर मौत तक कारोबार ही कारोबार करते हुए हम लोग दुनिया से चले जाते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताई है, समझाई है। बाकी अगर आप लोग उनसे लाइव बात करना चाहते हैं, लाइव जुड़ना चाहते हैं, रोग संबंधी कोई भी नुस्खा जानना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आप सभी का हमेशा ही स्वागत करता है। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पर कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों देखिए, यही वो मौका होता है जब आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। फिर आप लोगों की शिकायत हो जाती है कि हमारी हकीम साहब से बात करा जे बात नहीं हो पाती है, हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करते हैं तब भी आप लोगों की बात नहीं हो पाती है, तो अभी आप लोग बात कर सकते हैं लाइव। कोई भी रोग क्यों ना हो गया हो, आपको लगता है कि अब हमें दवाइयां नहीं खानी हैं, हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, बस हमें एक सटीक उपचार जानना है, कैसे हम रोग मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम लोग किसी और का सहारा लिए बिना चल फिर सकते हैं, अब हमें बेड पर लेटे नहीं रहना है, हमें कुछ करके दिखाना है, अपने ऊपर विश्वास रखिए दर्शकों, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हिम्मत हारेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप लोगों को यही तो जानना है कि आपके रोग के लिए कौन सा नुस्खा हो सकता है, तो तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, जैसा कि हमने कुछ महिलाओं को देखा है, उनके ना हाथ अकड़ जाते हैं, हाथ चल फिर नहीं पाते हैं, और जैसे जैसे ठंड आती है तो घर के जो कामकाज करती हैं उंगलियां भी उनकी अकड़ी रहती हैं। इसके बारे में आपसे जरूर जानूंगी, लेकिन कॉलर इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका।
हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शौकत अली कुमार जी, आजमगढ़ जी। जी बताइए शौकत भाई। मेरी नवासी है, नौ बरस, उसके 1.5-2 महीने से कलाई में, हाथ की उंगलियों में, और कभी कभी रोहनी में, कभी पैर के घुटने में, मतलब ये दर्द होता है और वो चेंज होता रहता है, ज्वाइंट जो है कभी हाथ में, कभी केहनी में, कभी कंधे में भी हो जाता है। करीब 1.5-2 महीने के लिए उसको तकलीफ है, 9 साल की बच्ची है मेरी नमाज की, दवा बताएं। हाँ, बहुत छोटी बच्ची है, अगर और दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप एक काम करें कि अश्वगंधा लीजिए 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, और गौंद स्याह 100 ग्राम। गौंद स्याह बहुत कड़वा होता है और इसको सबको पाउडर बनाएं, और गौंद स्याह असली लेना, नकली बहुत मिलता है, इसका सबको पाउडर बना के गोलियां बना लें चने की बराबर, और एक गोली देना शुरू करें रोज़, और 15 दिन तक एक ही गोली देते रहें। इसी से फ़ायदा नज़र आ जाए तो एक ही चलाते रहें, अगर ये लगे कि कम फायदा है तो एक गोली सुबह एक गोली शाम, नाश्ते के बाद और खाने के बाद, और दूध पीना इसका ज़रूरी है, एक गोली पर 1 गिलास दूध कम से कम या उससे ज़्यादा पीना ज़रूरी है। और ये बच्ची जब ठीक हो जाए, जब ही आप दवा बंद कर दें, और अगर ये बहुत भाग दौड़ के गेम खेलती है, खेल वगैरह, तो उसको थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए जी। अगले कॉलर है बिहार से, साधना हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मुझे अपने माँ के बारे में थोड़ा पूछना था, मतलब उनको गैस है, ठीक है, उनके राइट साइड पैर में और कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। कितने सालों से? 10 साल हो गए मैम। उम्र क्या है उनकी? 42। अच्छा देखिए, गैस के लिए तो सौंफ, धनिया और मेथी 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं, सौंफ, धनिया, मेथी, और ये पाउडर बना के घर में ही पाउडर बनाएं, पिसा पिसाया कुछ भी ना लें, और ऐसे आधा चम्मच से 1 चम्मच खाना शुरू करें रोज़ाना, आधा आधा चम्मच शुरू करें, और 1 चम्मच तक भी खा सकते हैं, खाने से पहले ही खा लें पानी से, और गर्म पानी 5 बार पिलाएं। और ये जो दर्द है जो 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है, इसके लिए आपको लेनी है, देखिए एक आता है गौंद स्याह, काला गौंद इसे कहते हैं, ये आप असली लें, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, और काला गौंद कहते हैं इसे, स्याह गौंद भी कहते हैं, ब्राउन से कलर का होता है, काफ़ी कड़वा होता है, यानी शायद सब दवाइयों से ज़्यादा कड़वा ये होता है, नीम से भी कड़वा, करेले से भी कड़वा, ये 100 ग्राम खरीद लें, असली लेना ज़रूरी है, 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम खाएं, पाउडर घर में बनाएं, पिसा पिसाया बिल्कुल ना लें, नकली बिल्कुल ना लें, तो आपकी मम्मी की दोनों परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। चलिए तो आपकी मम्मी की दोनों परेशानियां ठीक हो जाएंगी, नुस्खे अपना लीजिएगा, उम्मीद करेंगे कि आपने सारी बातें नोट डाउन ज़रूर कर ली होंगी। अगर आपने नहीं लिखी हैं कुछ बातें तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकती हैं, हेल्पलाइन नंबर पर आपकी बात होगी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम से। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हौसला प्रसाद जी स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ मैं आजमगढ़, यूपी आजमगढ़ से बात कर रहा हूँ जी। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरे पिताजी के और मॉम के, माताजी के दोनों के पैर में बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द रहता है। कितने वक्त हो गए दर्द को? दर्द तो हो गया आज 5 साल हो गए।
जी एज बता दीजिए दोनों की। ठीक है, देखिए ये दर्द जाता ही नहीं है, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, और इसका निवारण यूनानी में है। बस करना ये होता है कि जो मैं दवा बताऊँ वो असली आप ले लें, और असली मिलना की जिम्मेदारी आपकी, असली अच्छा नुस्खा बताने की जिम्मेदारी मेरी, लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। और अभी मैं बता रहा था कि आप सुन रहे थे कि एक आता है गोंद सियाह, काला गोंद, ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें, असली लेना ज़रूरी है, कड़वा बहुत होता है, काला गोंद इसे कहते हैं, हम लोग गोंद सियाह कहते हैं, आम जबान में काला गोंद कहते हैं, और ब्राउन से कलर का होता है। ये अगर आपको 200 ग्राम भी मिल गया तो दोनों का, पिताजी का भी और मम्मी जी का भी ठीक होना मुमकिन है। ये आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दोनों को खिलाया करें, दो वक्त खाने के बाद बग़ैर चर्बी के दूध से खिलाएं, और आप देखेंगे कि ये इतनी पुरानी बीमारी चंद हफ्तों में या चंद महीनों में ठीक हो गई। आपकी एक जिम्मेदारी और है कि एक वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में नहीं होना, कुर्सी वाला तो लगवा दीजिए, ताकि वो दोनों अपनी ज़रूरत वेस्टर्न टॉयलेट पे पूरी करें। इससे जल्दी ठीक हो जाता है आदमी, अगर वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो टाइम बहुत लगता है। तो आप इतना कर सकते हैं तो मेरी तरफ़ से करिए, और ये गोंद असली लेना है, नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल दोनों को दे सकते हैं, इससे भी फ़ायदा मुमकिन है। जी लखीमपुर से नेक्स्ट कॉलर हैं राहुल, स्वागत है आपका। जी सर, मैडम बताइए, सवाल करिए। मैडम जी एक्चुअली मेरे मिसेज को प्रॉब्लम हो रही है वाइट यूरिन की, तो उनको काफी समय से एक प्रॉब्लम है, करीब 4-5 साल हो गया है। एज क्या है उनकी? साथ जो है वाइट हो रही दूध कलर की। एज क्या है, उम्र क्या है उनकी? 26। ठीक है। देखिए ये अक्सर महिलाओं में पाया जाता है कि उनको वाइट डिस्चार्ज होता है, और बड़ी मुश्किल से वो किसी से शेयर करते हैं। अच्छा किया कि आपसे उन्होंने शेयर कर लिया, वरना पति से भी लोग नहीं करते अक्सर। हमारे हिंदुस्तान की, भारत की महिलाएं बहुत शर्मीली हैं, और किसी ना किसी शेयर करेंगे तो रोग मुक्ति मिल सकती है। एक गोंद आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें सफ़ेद गोंद मोरिंगा ही लेना है, इसमें लाल भी मिलता है तो वो नकली होता है, तो सफ़ेद गोंद मोरिंगा आप ले लें, 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये रॉ मटेरियल लेना है, और आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ पिला दिया करिए उन्हें, और ये गोंद ख़त्म होने से पहले आपकी पत्नी का रोग ख़त्म होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं पंजाब के लुधियाना से सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार आदर। हमको पैरालाइज का बीमारी है, तो पैरालाइज का खब्बे पास से ब्लॉक में है। ठीक जी आदाब, मैंने सुन लिया, उम्र बता सकें तो बता दीजिए, और कितने दिन से है ये पैरालाइज? खान साहब जी आदाब, मैंने बहुत बार फोन करा है, मैंने आपके वहाँ दफ्तर में दवाई भी लिखा दिया है, पैरालाइज का लिखाया है, हमारा उम्र 62 साल है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। देखिए एक ऐसा नुस्खा जो शायद हर घर में होना चाहिए, क्योंकि हर घर में एक ऐसा आदमी है जो उम्र में ज़्यादा है, 40-45 साल का आदमी जिस घर में भी है उस घर में ये नुस्खा होना चाहिए, या जिस घर में ब्लड प्रेशर के मरीज़, दिल के मरीज़, डायबिटीज़ के मरीज़, उस घर में ये नुस्खा का होना बहुत ज़रूरी है। है ज़रा सा आपको जहमत होगी कि आपको खुद बनाना है। देखिए नींबू का रस निकालिए 1 लीटर, लिख लीजिए नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर, और लहसुन का रस 1 लीटर निकालना है आपको घर में,
और एक सिरका मिलता है जिसे कहते हैं जैतून का सिरका, एक लीटर ये ले लीजिए जैतून का सिरका, याद रखें। इन सबको मिलाएंगे आप तो ये आपकी 5 महीने की दवा तैयार हो गई। 3-4 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3-4 चम्मच रात को खाने के बाद पिया करें। ये उस चर्बी और उस ब्लॉकिंग को ढूंढकर, ब्लॉकेज को ढूंढकर निकालता है जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस होता है, और ये उस चर्बी को ढूंढकर निकालता है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये उस चर्बी को भी ख़त्म करता है जो जिससे हमारे दिल की रगों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर का भी दुश्मन है, ये डायबिटीज़ का भी दुश्मन है। ऐसे अगर आप लिया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।